हरिओम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल केटी ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टोटके। आज मैं आपको बहुत से छोटे छोटे टोटके बताऊंगा, जिन टोटकों को अपना के आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। देखने में ये टोटके बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टोटके की ओर। पहला जो टोटका है वह है, अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन आपको चाहिए है, धन कहीं पर रुक गया है, तो आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी को अपने नहाने के पानी में हल्दी को थोड़ा सा डाल देना है और हल्दी की एक गांठ लेके पीले कपड़े में बांध के अपने हाथ पे बांध लेना है, बाएं में या दाएं में, आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। दूसरा टोटका जो है वो है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आपकी शादी नहीं होती है, तो आप जुपिटर की गुरु की पूजा करना चालू करिए। स्त्रियों में और महिलाओं में उनके पति जो होता है वो जुपिटर, जो गुरु होता है, वो कारक होता है शादी दाम्पत्य जीवन का। तो जुपिटर की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, आपका ये काम हो जाएगा। अगला जो टोटका है, अगर आपकी दुर्घटना होती है, आपको दुर्घटना से बहुत रूबरू होना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, अपनी बाइक में, कार में या साइकिल में आपको छुमारे लेने हैं 5-7, उनको लाल कपड़े में बांध के अंदर छुपा लेना है, दुर्घटना से बचाव होने लगेगा। और साथ ही जब घर से निकलें तो हनुमान जी की एक बार चालीसा पढ़ के घर से निकलें, आपका रक्षा कवच बन जाएगा। अगला जो है वो है स्विचवर्ड। अगर आपको खूब सारा धन चाहिए है, अकस्मात आपका ग्रहण कहीं पे रुका हुआ, आपके पास पैसे नहीं आते हैं, रुका हुआ धन चाहिए आपको, किसी को पैसा दिया वो निकल नहीं पा रहा है, या कहीं पर आप कोई बात कहते हैं आपका फेवर नहीं मिल पाता है, पापा मम्मी फेवर नहीं करते हैं, गुरुजी फेवर नहीं करते, आपके सीनियर बॉस आपकी फेवर नहीं करते हैं, तो आपको एक पेन से, ब्लू पेन से, आपके लेफ्ट हैंड के पोर्शन में, इस लेफ्ट साइड में आपको 5, 2, 0, 520, 7, 4, 1, 741 और 777, इसको एक सर्कल में, एक ही सीक्वेंस में लिखना है, 520, 741, 770 सीक्वेंस में लिख के बना देना है। जब मिट जाए फिर लिख देना है, जब मिट जाए फिर लिख देना है, कहीं पर भी पूरे इस बाएं हाथ की तरफ आप लिख सकते हैं। माना हुआ स्विचवर्ड है, मास्टर स्विचवर्ड है, आपको 100% फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगला उपाय है कि अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं रुकती है, तो बासमती चावल जो होता है उसका आप दान करिए, बासमती चावल का आप दान करिए, 100% आपको इसका फायदा मिलेगा। और बासमती चावल में लक्ष्मी जी विराजमान करती हैं, तो वहां पे आपको लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, ये माना हुआ अचूक टोटका है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और आपकी कार में किसी ने ग्रह बाधा दोष कर दिया है, तो सेंधा नमक से घर में पोछा लगाइए, और नॉर्मल जो नमक होता है उसको 7 बार अपने घर से क्लॉकवाइज घुमा के टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, 5 लौंग लीजिए, 5 लौंग किसी भी समय सायंकाल में, सुबह में एक चौराहे पे जाइए जहाँ पे शांत वातावरण होता है, कोई आपको देखे नहीं, वहाँ पे जाइए, कोई भी सुबह का समय हो, दिन का समय हो, शांत वातावरण होना चाहिए, कोई देखे ना आपको, चौराहे पे जाके 1 लौंग पूरब में, 1 पश्चिम में, 1 उत्तर में, दक्षिण में फेंक देना है, और सबसे बचा हुआ लास्ट लौंग को हवा में उछालना है ऊपर आकाश में। जब ऊपर आकाश में उछालना है, उसके बाद आपको पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं देखना और सीधे मुड़ जाना है। याद रहे, इस चीज़ में कोई आपको देखे नहीं और कोई आपको टोके नहीं, अगर नहीं टोक देता है या देख लेता है तो ये बेकार हो गया, फिर से आपको करना है। अगर किसी भी औरत को या महिलाओं को संतान नहीं हो पा रही है, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें हर रोज, और लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है उसको लाएं और उसका बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ही पालन पोषण करें, जैसा उसको खाना खिला रहे हैं, उसको थाली में रख के नहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ऐसा करने से लड्डू गोपाल भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा होती है आपके, और आपको शीघ्र ही एक बच्चे का सुख मिलता है और आपकी जो सूनी कोख है वो अच्छी हो जाती है, भर जाती है। अगर आपका वीजा कहीं पर अटका हुआ है या लगा हुआ है, आ नहीं पा रहा है, तो आपको करना है, स्विचवर्ड जपना है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये चैंट करना है। और दूसरा करना है डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट। और इसी के साथ में अगर खूब सारे आपको पैसे चाहिए हैं
तो इसी का छोटा रूप है, वो है काउंट 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 चेंज करना है, आपके पास पैसे का आगमन 100% हो जाएगा। इसी में अगर पैसे का क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका एक और टोटका है, अगर आपके पास पैसे नहीं आते तो जहां आपकी तिजोरी है उस तिजोरी में 10 की 100 के नोट, 10 10 के 100 नोट बंडल लगा के रख दीजिए, उसको कभी आपको छूना नहीं है, वहां पे रख दीजिए, थोड़े से सिक्के ला के रख दीजिए वहां पे, और एक इंटरनेट से कोई पैसे का जिसमें सरफियां सोने के सिक्के ऐसे वैसे हो उसका एक फोटो काट के वहां पे चिपका देना है। जब भी आप तिजोरी खोलते हैं सुबह शाम उसको एक बार जरूर देखना है, ऐसा देखने से आपके घर में सुख समृद्धि आती रहती है और आपका दिमाग भी पैसे के लिए आगे बढ़ता रहता है और आपको प्रेरित करता रहेगा कि आपको आगे पैसे कमाने आगे बढ़ना है। ये अफर्मेशन भी है, मैनिफेस्टेशन भी है, लक भी है, समृद्धि का उसका भी टोटका है। ऐसा करेंगे आपको 100% फायदा मिलेगा। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो मोती शंख बहुत ही दुर्लभ शंख होता है, वो जल्दी मिलता नहीं है, मोती शंख को आप लाइए और उस शंख में पानी भर के हमेशा रखिए मंदिर पे, और जब भी किसी को दवाई देना हो तो उस शंख में डाल के दवाई दीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति क्योर हो जाता है और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, 100% फायदा मिलेगा। अगला जो टोटका है, अगर किसी भी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो सबसे पहले मैं लड़कियों के लिए बताता हूँ, लड़कियों को क्या करना है, एक चांदी का ठोस गोला लेना है, उसको चांदी के तार में पिरो के शुक्ल पक्ष की सोमवार को अच्छे से पूजा करके शिव माता पार्वती के चरणों में रख के शिव माता पार्वती का आशीर्वाद लेके पूजा करके उसको अपने गले में धारण कर लेना है, लेकिन शुक्ल पक्ष की सोमवार को ही करना है, 100% लड़की की शादी हो जाएगी। अब बात करते हैं लड़के की, लड़के को क्या करना है, कूलर लेना है, कूलर में पूरा मशरूम भर लेना है, किसी भी पवित्र जगह में उसको जाके वहाँ पर रख के आ जाना है, रख के आने के बाद अपने घर में खाना खाना है, अपने घर के किचन में ही खाना खाना है, उस दिन का खाना घर पे आके खड़े होके खाना है किचन में। ऐसा करने से 100% आपका शादी हो जाएगी और भगवान से आपको मांगना है कि भगवान मेरी शादी हो जाए।